जय श्री राम भाइयों। तो आज है भाई दीपोत्सव का दिन, तो आज मैं नहाकर बिल्कुल रेडी होकर बस फटाफट निकल लिया हूँ गली में और चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं आगे की ओर। हमारे प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए इस बार अयोध्या बिल्कुल भव्य तरीके से सज चुका है और मैं निकल लेता हूँ अपने घर से अयोध्या। भारत में कोई सा फेस्टिवल हो और ट्रेन में भीड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बार कुछ ऐसी भीड़ थी और इस भीड़ का हिस्सा बनकर मैं भी 4 से 5 घंटे का टाइम लेकर पहुँच जाता हूँ अयोध्या। भाइयों तो मैं हूँ इस टाइम भाई अयोध्या में। अयोध्या अभी दीपोत्सव का टाइम हो गया है, आज है 10 तारीख, तो कल दीपोत्सव है, तो मैं ऑलरेडी आज एक दिन पहले आ गया हूँ। भाई इस बार के दीपोत्सव काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इस बार हमारे प्रभु रामचंद्र के आगमन के लिए जो है 24 लाख दिए जला रहे हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं सारी चीज़ यहाँ की वाइब्स। ये है अयोध्या जंक्शन जो कि बिल्कुल आपको अलग यहीं से कुछ वाइब से देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए काफ़ी चीज़ ऐसा है। रेलवे जंक्शन से मैं लेकर ऑटो पहुँच जाता हूँ अपने रूम पर। एक दिन पहले आ चुका हूँ और मेरा कुछ जो रूम है कुछ ऐसा है ये चीज़ें, और मुझे छोटे दो लोग मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। देखिए भाई बिल्कुल राम के अवतार में ये भी लग रहे हैं। और बताइए छोटू कैसे हो? सब अच्छे हैं। बढ़िया। कल के लिए कहाँ जाओगे तुम? यहीं पे रहेंगे। यहीं पे जाओगे? वहाँ पर राम की पैड़ी नहीं जाओगे क्या? जाएंगे राम पैड़ी। भाई जो मेरा रूम है वो राम की पैड़ी से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है और जो कि बड़ा भक्तमाल के नाम से काफ़ी फेमस है, जो कि आश्रम टाइप का है। और भाई लेकिन यहाँ का रूम काफ़ी बेस्ट है भाई, इसकी कॉस्ट भी बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि 700 रुपये मैंने पे किया हुआ है। देखिए और फिर आसपास के मंदिर घूमता हूँ और जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मॉर्निंग मुझे जल्दी उठकर जाना होता है राम की पैड़ी। मॉर्निंग में मैं 7 बजे ही उठकर रेडी होकर पहुँच जाता हूँ राम की पैड़ी, जहाँ पर कुछ मुझे ऐसा दिखाई देता है। भाई इस टाइम मैं खड़ा हूँ राम के पैड़ी पे और ये पूरे कुछ ऐसे सज जा चुका है और आपको दिखाते हैं यहाँ का भाई नज़ारा जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत है। अयोध्या अगेन अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर अगेन गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करने के लिए तैयार है। और आप देखते हैं कि यहाँ दिवालियों से लिखकर जय श्री राम लिखा गया है, जो कि काफ़ी बेहद खूबसूरत लगता है। दीपोत्सव के दिन अयोध्या की राम की पैड़ी पर जाने के लिए आपको पास की जरूरत होती है, जो कि आप ayodhyavisit.com से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको साकेत से लेकर लता चौक तक झांकियों के एक खूबसूरत नज़ारा दिखाया जाता है, जो कि भाई एक अलग ही तरीके का था, जो कि आइए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूँ। इन झांकियों को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, जो कि पूरी रोड भाई भरी हुई थी लोग देखने के लिए। झांकी देखने के बाद मैं अगेन पहुंच जाता हूं राम की पैड़ी पर, वहां पर जो है दीपोत्सव की तैयारियां चल रही है। भाई बात ही लग चुकी है और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, तो पूरा बात ही लग चुका है। इसके बाद जो है इसमें तेल डाला जाएगा। अभी सतंग भैया कहीं गायब हो सकते हैं क्या? सतंग भाई भाई अभी हमने जो है तेल डालकर ये कंप्लीट कर दिया और इसको जो है ये देखो भाई इसको हमने जो है इसमें तेल डाला हुआ है और ये कंप्लीट हो गया। और अभी टाइम जो हो रहा है टाइम 2:18 हो गया है, ये कंप्लीट हो गया भाई। कुछ वाइब्स कुछ ऐसी हो गई यहाँ पे ये ऐसे। जय श्री राम।
इसका रिकॉर्ड एक अलग होगा, इसलिए गिनीज वर्ल्ड बुक के ऑफिसर्स भी यहाँ पहुँच चुके थे और मैं देखा कि सारी काउंटिंग भी कर रहे थे। यहाँ भीम भैया डाल रहे तेल और इधर ही अनुराग भाई इधर भी डाल रहे थे, सब डाल रहे तेल। और अभी हमें अयोध्या के दीपोत्सव में है 24 लाख दिए जलाने के हिस्सेदार हम लोग भी बन रहे हैं। वीडियो की इसकी बिल्कुल ना करें, नहीं काफ़ी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल बदलता जाता है। दीये में बाती भी लग गया और तेल भी डाला जा चुका है, अब बारी है इसे जलाने की। भाई अभी टाइम बिल्कुल ख़त्म होने वाला है क्योंकि अब जलने वाला है दिया और भाई पूरी अयोध्या जो है जगमगाने वाली है, तो बस उसका इंतजार बिल्कुल ख़त्म है बहुत ही जल्द। तो भाई अभी जो है दिया जलाना चालू हो गया है, मैंने ले लिया अगरबत्ती और जलाते दिए। जिसका रहता है सालों से इंतजार वो दिन आज आ चुका है और अयोध्या एक बार फिर से जगमगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से। और हो चुके हैं भाई नदी के फव्वारे भी स्टार्ट, जो कि काफ़ी खूबसूरत। ऐसा भाई अभी टाइम हो चुका है दिए जलाने के, तो आइए जलाते दिए। और भाई दिए जलने के बाद कुछ ऐसी खूबसूरत दिखने लगी है, जो कि अभी काफ़ी चीज़ तो बाकी ही है। तो आपको बड़ी सी स्क्रीन में जो है पूरी रामायण दिखाई जाती है, रामायण के बाद आपको भाई लंका दहन के सीन दिखे, कुछ ऐसा हो गया है। और अब बारी थी पटाखों की, जो कि भाई कुछ अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट होने वाला है। आपके मन में ये सवाल बार बार गूंज रहा होगा कि भाई जिनके पास पास नहीं है क्या वो भी अंदर जा सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए 8 बजे के बाद, तब तक पटाखों का शो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो अगेन आप पास बनवा के ही जाएं। और अयोध्या को कुछ खूबसूरत तरीके सजाया गया, जो कि मैं वहाँ के देखने के बाद घर की तरफ रिटर्न चल देता हूँ। तो भाई सबको जय जय श्री राम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। जय श्री राम।